यो व्हाट्सअप पोजिस, कैसे हो, क्या हाल चाल। यो हनी सिंह इज बैक। भाई का नया गाना आ चुका है, गाने का नाम है तुझ पे प्यार। हनी 3.0 एल्बम का सेकंड ट्रैक यो हनी सिंह जी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आया। पूरा एक दिन हो गया गाना आए को और 4.4 मिलियन व्यूज हैं यूट्यूब पे और लाइक्स बहुत कम है यार। व्यूज के मुकाबले लाइक सिर्फ 1.9 लाख है, जो कि मुझे लग रहा है कि थोड़े कम है। 43,000 कॉमेंट्स हैं और हैशटैग 13 पे ट्रेंड कर रहा है भाई पंजाब में। हैशटैग 13 पे, क्या बात है। लेट्स गो, गाना सुनते हैं, देखते हैं कैसा रहने वाला है गाना। अगर अच्छा लगा तो अच्छा रिव्यू मिलेगा, अगर बुरा हुआ तो भाई फिर तो बुरा ही मिलेगा ना। अगर बुरा हुआ लेट्स गो। बकचोदी कम और गाने पे फोकस ज़्यादा करते हैं। तुझ पे प्यार यो हनी सिंह। VFX सिंह, द सिटी ऑफ मेक्सिको। ओके थोड़ी सिंथ वेव लग रही है। क्या लुक लग रही है भाई, क्या लुक लग रही है। एकदम डांसर लुक। Crazy moves bro, crazy. Meri life ka focus tu, lucky bonus tu. Meri life ka focus tu, lucky bonus tu. Palika ka lagti hai, peace chokas tu. Close mere aaja teri, choli ka stu. Just get it now, now, baby, get it now, now. Nach ke dekha, wena vina ho sakta. Just get it now. देसी प्लस इंटरनेशनल। लिटरली ओल्ड स्कूल, एकदम से बीट पे ना ओल्ड स्कूल वर्स शुरू हो जाता है, एकदम से इंटरनेशनली थिंग्स करनी शुरू हो जाती है भाई। ओल्ड मूव। ये तो सच है। होनी मन जानी हनेरी, ए एल्बम है नी स्टोरी या तेरी ते मेरी। ओ वचुगी है कारा विच, सीपी ते सतारा विच, वचुगी है वूफरा च, हांडी ते कुकरा च, वचुगी है कारा विच, सीपी ते सतारा विच, वचुगी है वूफरा च, हांडी ते कुकरा च। ऑनेस्टली अब तक यार लिरिक्स वाइज मुझे इतना स्ट्रांग नहीं लगा गाना लिरिकली, क्योंकि यार थोड़ा सा वो पुरानी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि यार ओल्ड गानों में होती थी, ओल्ड गाने रहते थे। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है यार, जब लिरिसिस्ट चेंज हो जाते हैं ना तो फ़र्क तो पड़ता है भाई। पहले जो पहले लिरिसिस्ट थे हनी सिंह के पास, वो आज की डेट में टॉप के लिरिसिस्ट, टॉप के रैपर बन चुके हैं भाई। रफ्तार, इक्का, बादशाह, ये लोग हैं ना। और आजकल जो इनके पास मेरी सिस्टम, वो भी मुझे लगता है अंडरग्राउंड है, या है ही नहीं, या ग्राउंड के भी नीचे हैं। भीड़ तो कह दिया। ये सिर्फ गाड़ी में सुनने वाला है, लॉन्ग ड्राइव और या क्लब पब में चलने वाला है।
हनी 3.0 भाई साहब ये गाना था। और मतलब ठीक है यार, जैसे वन टाइम वॉच मूवीज होती है वैसे मुझे लगता है सिर्फ एक बार सुनने लायक ये गाना है। आप वाइब ले सकते हो, या हो सकता है कि ऐसा साउंड धीरे धीरे चल के हमारे कानों पे चढ़ जाए, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमने कभी सिंथ वेव ऐसी वाइब सॉन्ग कभी नहीं सुने। बहुत सारे गीत सुन रखे हैं और आजकल थोड़े यार मतलब लिरिक्स पे मुझे लगता है और फोकस करना चाहिए था इस गाने के स्पेशली, नॉट बाकी सब गानों को नहीं कंपेरिजन कर रहा, इस गाने को लिरिकली थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए था। क्योंकि इस गाने में जैसे यार मतलब आप खुद ही यार आप सोचोगे कि शायद हेट करता है तब बोलता है, हम क्यों हेट करेंगे भाई। मैं किसी भी एरे गरे किसी भी रैपर का किसी का मतलब दिस और दैट किसी का भी फैन नहीं हूँ, बट पर्सनली आप एक बात बताओ, आप लोगों ने सुना ब्लू आइस, आप लोगों ने सुना जितने भी है ना ओल्ड गाने थे, लव डोज गाना सुना, एक काम कर गोल लोक कर वो देसी कलाकार, उसमें क्या लिरिक्स थे भाई, और लव डोज गाने में क्या लिरिक्स थे भाई, अमेजिंग यार। वो चीज़ें मिस रहती हैं भाई, उसमें लिरिक्स भी थे, बीट भी थी, फ्लो भी था, डांस भी था, हर कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा था उसमें। और इसमें सब कुछ वही करने की कोशिश की है कि वैसा गाना बन जाए, वो मास्टरपीस है हनी सिंह भाई की लाइफ के, इंडियन इंडस्ट्री के मास्टरपीस गानों में से एक है यार वो सभी गाने। एक नहीं दो नहीं चार बोतल वोट का गाना चाहे कह लो, चार बोतल वोट का काम मेरा रोज का, लेकिन उसमें जो रैप वर्स था क्या कमाल का रैप वर्स था भाई। वो सब चीज़ें लिटरली ऐसे मिस आउट होती हैं। ठीक है वो पुराना साउंड था, ये नया साउंड है, इसको समझने में टाइम लगेगा, ऐसा तो नहीं है भाई। क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने बादशाह का जुगनू गाना सुना है, आपने बादशाह का चमकीला चेहरा सुना है, क्या यार तेरी अदाओं पे जाने जा, शायरों ने लिख दी किताबें, खुशबू तेरी से इत्र बने, तेरी आंखों से बनती शराबें, है ना वो क्या लिरिक्स है भाई। और सिंथ वे वाइब है प्रॉपरली, मज़ा आता है यार सुन के। और बस यार ज़्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि लोग ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन जो सच है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। ये गाना उतना कमाल नहीं बन रहा जितने कमाल ओल्ड गाना था, जितने कमाल पुराने गाने रहते थे। बाकी आपके क्या विचार है इस रिएक्शन वीडियो के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं।